अपने आप को प्रूव करता नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको लोग ढूंढने आते हैं. ओके, सो हम लोगों की जो वैल्यू हो चुकी है ना आज, हमें लोग ढूंढने आने वाले हैं भाई साहब, हमें लोग फॉलो करने वाले हैं, लोग ये ढूंढेंगे अरे यार ये तो मतलब ऐसे ही जाता था, आज इस लेवल पर, अरे वाह वेरी गुड क्या बात है, अरे मैं तो इसको ऐसे ही देखता था. तो ये 100% ये बातें नहीं है, ये हकीकत है. आप इस चीज को समझिएगा, अमेज़न सिर्फ एक वेबसाइट है. ओके, अमेज़न सिर्फ एक वेबसाइट है. और अमेज़न जैसे हमारे पास कितने, हमारे पहली बात तो किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, अमेज़न जैसे हमारे पास 50 से 60 प्रोडक्ट और अभी पता नहीं कितने और आने वाले हैं. अभी तो ये हमको 10% इसलिए बताया गया क्योंकि एक नॉर्मल इंसान यहाँ फाउंडर है, इस बात को समझिएगा. क्योंकि नॉर्मल इंसान अगर फाउंडर है तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग भी यहाँ पर नॉर्मल बन के फाउंडरशिप लिए होंगे, ये बिल्कुल हकीकत है. इसीलिए हमारे सामने पूरी चीजें नहीं आ रही. लोग बोलते हैं फाउंडर है तो हमें वो चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही. भाई थोड़ा पेशेंस रखो, और मैं बोलता हूँ आने वाले 3 से 6 महीने, ज्यादा नहीं, 3 से 6 महीने में आपको आपकी रियल वैल्यू, रियल टाइम में जो वैल्यू होती है ना, वो आपको देखेगी. और मेरा नंबर ले लेना, अगर नहीं देखे तो मुझे कॉल कर लेना. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. एंड आपने इतना टाइम दिया, इतना सुना मुझे, और जब किसी को सुना जाता है तो शायद उसकी शब्दों में पावर है. और मैंने वो डिसीजन लिया था, मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था, और आज मुझे गर्व होता है, डेफिनेटली मुझे गर्व होता है. और जो इंसान सही समय पर सही डिसीजन ले लेता है वो अपने आप को सही साबित कर देता है. मैंने तो कर दिया, और आज आपने भी कर दिया, मैं आपको भी बधाइयां देता हूं. और समय है, संभल जाओ, और अगर समय ने बदला ना तो बहुत दुख होएगा. तो हमें आई थिंक दुख करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है. क्योंकि जो एम्बेसडर कार थी, और पहले के जमाने में अगर मैं बात करूं तो चिट्ठियां दी जाती थी. आज एक मैसेज करो, आज एक मैसेज करते हैं हम लोग तुरंत जाता है, दैट इज द टेक्नोलॉजी. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड नो वर्स, थैंक यू वेरी मच. और बिल्कुल सही कहा रोहित भाई ने कि अब थोड़ा हम अपने आप को समय सीमा में बांधेंगे, और टाइमली सब चीजें वाइंड अप भी करेंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवर करें. तो बिना वक्त गवाए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित भाई से कि आज की कार्यवाही को शुरू करें, और वन बाय वन सभी को इनवाइट करते रहें. मुझे जैसे वक्त लगेगा मैं बीच में जरूर अवेलेबल हूँ, लेकिन साइलेंट मोड में हूँ. तो थैंक यू सो मच इंडिया, और अतुल्य भारत के इस मंच को इतना प्यार और स्नेह देने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद. थैंक यू सो मच, ओवर टू रोहित भाई. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर एलडी भगत साहब, आज हमारे बीच में है, और आप आइए सर. और नेक्स्ट हमारे जो भी मेंटर्स हैं, को-होस्ट हैं, और हम उनके उनसे कुछ सीखेंगे आज भी टेंटिव के बारे में. सो प्लीज वेलकम डॉक्टर एलडी भगत सर. थैंक यू रोहित जी, सबको नमस्कार, नमस्कार. और जैसे भी हमारे यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि जो सेशन हमारा है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेते हैं जब तो लोगों को इंटरेस्ट कम हो जाता है. तो 1 घंटे का सेशन हमारा होगा, तो जो भी हम यहाँ के टू द पॉइंट और शॉर्ट में अपने व्यूज़ रखेंगे, अपनी शेयरिंग जो भी रखनी होगी, ताकि हम टाइमली इसको एंड कर सकें और मैक्सिमम लोगों की यहाँ पर हम उनके व्यूज़ भी सुने. तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे हमारे ग्रेट लीडर, जिनको पूरा इंडिया सुनना चाहता है और जो पूरे इंडिया के दिल में है, हमारे चहेते जसवंत सिंह जसी सर. सर वेलकम है आपका, और स्टेज आपकी है, वेलकम सर. बाकी सर मेरे को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, मैं ना स्टक हो गया था कहीं पे, बस मैं घर पहुंचने वाला हूँ. बस मेरे बेटा साथ में ना, तो बोलने नहीं देगा सर, 5 मिनट दे दो प्लीज. राइट सर. तो नेक्स्ट हम लेते हैं अनूप सर को. अनूप गांडे जी प्लीज वेलकम है आपका, आइए आप अपने शेयरिंग आज की. थैंक यू भगत सर, थैंक यू सो मच. ऑन पैस्यू नमस्कार सभी को. आज के सेशन में आज का स्पेशल टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी पूरी पैनलिस्ट की ओर से. हमारे सारे पैनलिस्ट जुड़े हैं, जैसे कि अजय जी है, रोहित जी है, एलडी भगत जी है, ममता कुलकर्णी मैम हैं, कांतामणि जी हैं, हरप्रीत कौर मैम है, जस्सी पाजी है, देवीलाल जी हैं, राजेंद्र भटकर जी हैं, सभी की ओर से आप सभी का स्वागत. और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूं, आप सभी फाउंडर्स हमसे रेगुलर जुड़ते हैं, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप हमें भर भर कर प्यार दे रहे हैं. तो ये जो प्यार है आपका, ये हमारी ऊर्जा बढ़ाता है और नई नई चीजें आपके सामने रखने के लिए हमें प्रेरित करता है हमेशा.
तो आज का जो टॉपिक है वो है बी अटेंटिव। हमें अटेंटिव रहना है। अटेंटिव क्यों रहना है, जो इसका ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एच सर का जो लास्ट एक वेबिनार में आए थे, वेबिनार नहीं था, यूट्यूब पे एक वेबिनार चल रहा था, आपने देखा होगा, रेड और बाकी जो हमारे इंटरनेशनल लीडर्स थे उनके वेबिनार में ऐश गए थे। उसके बाद हमारे क्रिस जॉनसन और मार्टी डिगामो भी अपना एक सेशन लेते हैं, उस सेशन में भी ऐश आए थे। उन्होंने हमें बहुत सारी अपडेट दी। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव ओ कनेक्ट के बारे में बहुत आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं। ओ कनेक्ट 3 फेज में लॉन्च होगा। पहला फेज जो है हमारा जनवरी के 1st वीक में आने वाला है, उसके बाद 15 जनवरी तक 2nd फेज और मार्च तक हमारा 3rd फेज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत सारे आए लोगों के माइंड में कि ऑन पैसिव ओ कनेक्ट जब ऑन पैसिव का बैकबोन है तो उसे 3 फेज में क्यों लॉन्च किया जा रहा है। देखिए इन 3 फेज में सारी टेस्टिंग होगी। पहले फेज में हम एक प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी नहीं एडवांस लेवल पे लॉन्च होगा, बट बैकएंड में कंपनी उसमें कुछ और अपडेशन करेगी तो फाउंडर्स को उसका या फिर हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें उसका कुछ हमारे प्रोडक्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कंपनी अपने एंड से टेक टीम उसमें अपने हिसाब से उसमें अपडेशन लेकर आएगी। तो पूरे जो अपडेशन आने तक मार्च तक समय लग जाएगा, इसलिए कहा गया है कि मार्च तक पूरी तरह से वो कनेक्ट 100% डायनामिक होगा। वैसे भी हमारे सारे प्रोडक्ट AI टेक्नोलॉजी पे हैं, डायनामिक है। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ऐश ने कहा था कि हमें अटेंटिव रहना है आने वाले दिनों में, और एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया। ये मैसेज आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है कि हमें एंगेज रहना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट के साथ एंगेज रहना पड़ेगा, हमारे जो जिन लोगों को आपने ब्लेस किया है उन लोगों के साथ आपको एंगेज रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि टेक्निकली आप सारे प्रोडक्ट को यूज ही करें, सारे प्रोडक्ट तो हम यूज नहीं करेंगे। B2C कैटेगरी के जो प्रोडक्ट आते हैं उन्हें हम यूज करेंगे, कुछ B2B प्रोडक्ट भी होंगे जो हमारे यूज में आने वाले हैं। बट हमें अटेंटिव क्या रहना, हमें डेली जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम की वेबसाइट है अभी उस पे हमें रेगुलरली लॉग इन करते रहना है। वहां पे जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं ओ नेट और ये, अब यहाँ पे एक बात भी उन्होंने कही कि वेबसाइट को स्पीड नहीं मिल रही, मीन्स आप वेबसाइट को जब ओपन करते हो तो अपलोड होने में समय लग रहा है, वहां पे कुछ आप फोटो या फिर आपका वीडियो आप डालना चाहते हैं तो उससे समय लग रहा है। ओवरऑल जो स्पीड है वो आपको नहीं मिल रही है और आपके जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से आप उसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बारे में कंप्लेंट करना या इसी बात को हमेशा कहना ये एक सिली थिंग है, यानी ये एक ऐसी चीज है कि हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। हम अटेंटिव रहे, हम आने वाले दिनों में अटेंटिव रहें, और आने वाले दिनों में जो लोग ज़्यादा अटेंटिव होंगे, ज़्यादा एंगेज होंगे, उनको स्पेशली उन लोगों को भी एक अलग लेवल से कंपनी की ओर से उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा। अप्रिशिएट मीन्स अप्रिशिएशन क्या होते हैं, हम हमारा बिजनेस जो है ना उसको तो रोज स्टार्ट करते हैं ना, हम आते हैं, हमारा अगर शॉप है कोई, हमारा कोई स्टोर है तो उसे हम खोलते हैं डेली आके और वहाँ पे हम अटेंड रहते हैं पूरा दिन ताकि हम हमारे कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस दे पाए। अगर मैं जैसे स्पेशली मेरी अगर बात करें तो मेरे पास स्टाफ होने के बाद भी मैं अटेंड रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सनली कस्टमर्स को जो सर्विसेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, या फिर उनके कुछ इश्यूज हैं, कुछ उनके कोई सर्विसेज से रिलेटेड उनको कुछ और कुछ ये होगा तो मुझसे डायरेक्टली बात करें ताकि मुझे पता रहे कि मेरे बिजनेस में क्या क्या मुझे नए अपडेशन लेकर आने हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे अपडेट करनी है। तो इस वजह से हमें अटेंटिव रहना है, क्योंकि जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में अटेंटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, टाइम लिमिट है इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओवर टू भगत सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुप जी, बहुत सही कहा आपने, अटेंटिव रहना हम सबको, क्योंकि तभी हमने आज का ये टॉपिक भी रखा है ताकि सबको ये चीज अपने माइंड में बैठ जाए और सिस्टम के साथ जुड़े रहें, आप हमारा जो भी इकोसिस्टम है उसको जानें और आगे बढ़ते रहें, सीखते जाएं और डेली बेस पे अपडेट्स लेते रहें ताकि कंपनी का नेक्स्ट फेज क्या है उसके बारे में सबको जानकारी हो। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे देवलाल चौहान जी अगर हैं तो। चौहान साहब अवेलेबल हैं? आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं सर।
जैसी सर आगे हैं, जैसी सर वेलकम है। जी 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 थैंक यू लव यू।